पत्थर जमा करो, गारा तैयार करो, गार के मुंह को बंद करना है। कुछ लोग जाओ पानी लेकर आओ। जनाब मैक्सिमिलियन, जनाब तिलमीखा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जनाब दकैनूस ने मुझे हुक्म दिया है कि इस गार के मुंह को बंद कर दिया जाए, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? बाहर आ जाओ वरना अंदर ही दफन हो जाओगे, बाहर आ जाओ वरना अंदर ही दफन हो जाओगे। चलो गार के मुंह को जल्दी से बंद करो। चलो उसकी मदद करो, ये पत्थर उधर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, उसको उधर उधर रखो, इधर लेके आओ। चलो इसकी मदद करो, जाओ मदद करो। खड़े क्यों, क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, लीड तो जल्दी, अच्छी तरह से चलो, जल्दी लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, पत्थर ला के रखो, गारा ला के दो, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ, उसको गारा दो। जल्दी जल्दी, तीन आदमी उधर जाकर पहला दो। उसको दो, ठीक से रखो पत्थर, जल्दी। सही से, हाँ ठीक हो गया, अब चलो। जल्दी करो, चलो ठहरो, दो आदमी को उधर रवाना करो, तुम मेरे साथ चलो। जल्दी करो, अब इधर चलो तुम लोग, मैं आप देख के आता हूँ। सही है, तुम चलो यहीं पे खड़े रहो, चलो यहीं पे रुको, यहीं पे खींचो खींचो मजबूती से, खूब अच्छी तरह खींचो, खूब अच्छी तरह खींचो, उठो और उसकी मदद करो। चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे, हे अच्छी तरह गाड़ो ताकि मजबूत हो जाए। हम लोग 3 महीने यहां रहेंगे, 3 महीना, उधर क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे साथ आओ इधर, कोई अच्छे रंगीन कपड़े है? हाँ है, लीजिए ये देखिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए, एक ही रंग ये है। सुना है कि बहुत वहशतनाक मंजर था, यहाँ तक कि दखियानूस भी खौफजदा होकर गार से बाहर निकला। गार में दाखिल होने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जाहिर है उनका खुदा हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर है, जो कोई भी उन तक ना पहुंच सका। खौफ से कोई भी गार में ना जा सका। यकीनन खुदा ने उन लोगों की हिमायत की है। वो लोग औलिया है, तकरीबन उसका हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता है। काश उनको हम नजात दिला सकते। इसमें क्या मुश्किल है, बस काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। सादगी से काम ना ले बिरादरान, ये इतना आसान भी नहीं, सिर्फ दुआ करें खुदा आपको पनाह में। मालूम क्या हुआ, खुदा का शुक्र उनको नहीं पकड़ सके,
आए सब ने मरियम उनकी हिफाजत करो। इलाही आमीन। तुमने कल से अब तक कुछ नहीं खाया इरखमीद, अगर इसी तरह रहोगे तो बीमार हो जाओगे। देख रही हो बानो, आप नहीं खाती हैं तो वो भी कुछ नहीं खाता। तुम खाना क्यों नहीं खाते? कोई अगर कुछ दिन खाना न खाए मर जाएगा। क्यों ऐसे सवाल करते हो बेटे? मेरे बाबा 10 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं। अगर हम सारी जिंदगी भी रोते रहे तो कम है, लेकिन रोना चाय का नहीं है। रोने के सिवा हम करी क्या सकते हैं? आप ये सोचें कि आपके शोहरों के मकासद क्या थे। वो मुनासिब इख्तदार और रुतबा रखते थे और उसको मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भी उनके मकासद को जारी रख सकते हैं, जहां तक हो सकता है अपने हम मजहब लोगों के खुफिया जलसों में शरीक रहेंगे और अपने शोहरों के पैगाम को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। बानो एलन, बानो एलन जूलियस, मुझे उससे कोई काम नहीं। दुरूद हो बानो हिलन पर। तुम कब से इजाजत के बगैर मैक्सिमिलियन के घर में दाखिल होने लगे हो? हेलेन, मैं सोचता था कि मैक्सिमिलियन के बाद, नहीं, मेरा ख्याल था कि आपके लिए अच्छा दोस्त बन सकूं, लेकिन जाहिरन गलती पर हूं। हमेशा की तरह बातिल और अहमकाना ख्यालात। जनाब तकियानूस से दोस्ती और उनसे मेरी अकीदत की बुनियाद पर आपकी इस एहानत को भुला दूंगा। हमारे लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा मेहरबानी तुम्हारी मौत होगी। अगर मेहरबानी करना चाहते हो तो जाके डूब मरो। वो समझता था कि जनाब मैक्सिमिलियन के बाद हेलेन का दिल जीत लेगा। यही उसकी रजालत की अलामत है। माफ कीजिए बानो हेलेन, मुझे कुछ अर्ज करना था। बोलो गैलेस। मुमकिन है देर हो चुकी हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जिस कीमत पर भी हो सके आली जनाब और उनके साथियों को निजात दिलाओ। तुम तन्हा? पेत्रोस और चंद मुआहिदीन हमारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तो हम कामयाब हो गए। जाहिरन तुम लोगों ने फैसला कर लिया है। मैं क्या कह सकती हूँ? हमारे लिए दुआ कीजिए बानो एलन, हमारे लिए दुआ कीजिए।
खुदा हाफिज। तीन अफराद हैं, उनमें पितरस भी है। सलाम हो तुम पर। खुश आमदीद पितरस, इतनी देर क्यों लगा दी? हथियार का लाना मुश्किल था। ठीक है, सबके पास नकाब है? हाँ है सबके पास। ठीक, 10 दिन से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा, वो यकीनन अभी जिंदा होंगे। खुदा की मदद से हमें उन्हें बचाना है। तुम मेरी बात समझे, उस पत्थर को उठाओ। मेरी बात को गौर से सुनिए। पहाड़ यहां है, गार पहाड़ के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, जहां 3 निगहबान मौजूद हैं, यहां, यहां और यहां। पहाड़ के निचले हिस्से में रूमी सिपाहियों का खेमा है, जिसमें कुछ सिपाही तैनात हैं। रकीम गांव मगरबी हिस्से में पड़ता है, इस हिसाब से हम देखते हैं कि शुमाली हिस्से में कोई मुहाफिज नहीं है। लेकिन उस हिस्से का रास्ता बहुत सख्त और दुश्वार है। रास्ता सख्त है, लेकिन मुतमिन रहो, अगर हम गार के सामने मौजूद निगेबान को मारने में कामयाब हो जाएं, तो दीवार गिराने और उसके सामने के पत्थरों को हटाने में और मैक्सिमिलियन की जान बचाने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। हाँ, हमारी कामयाबी का दारोमदार खामोशी और सुकूत है। हाँ, मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। अगर कोई और बात ना हो तो चलें। पितरस, तुम आगे जाओ। जल्दी आओ। वहां पहाड़ के निगेबानों के खेमे हैं, कुछ निगेबान गश्त लगा रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है और वो रकीम गांव है। गार नीचे यही नजदीक वाक़ है। गार के सामने चंद निगेबान हैं जिन्हें खामोशी से खत्म किया जा सकता है। डरो मत, यहां से बिल्कुल खामोशी के साथ निकलना है। अगर तुम सब तैयार हो तो चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ो।
आओ चलो आगे बढ़ो, रुको मैं आगे चलता हूँ। कुल्हाड़ी ले आओ। होशियार हो जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया है? घर पर हमला हो गया है। मशालों को जलाओ, घर की तरफ चलो, जल्दी तेज जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, हमला हो गया है, भागो, चलो जल्दी करो, भागो। और मारो, और मारो। आओ तुम भी आओ, सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो, जल्दी पकड़ लो, छोड़ो मार। चलो आगे निकल जाओ, चलो घेर लो, भाग दे ना पाए, चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। काम बंद करो, बस करो, सिपाही आ गए हैं, सिपाही आ रहे हैं, भागो, अब हमें चलना चाहिए यहां से, इधर से भागो, अब चलो फिर देखा जाएगा, चलो जल्दी चलो, चलो फित्रोस, चलो चलो फित्रोस, उनको निजात दिलाता हूँ, चलो जल्दी करो, देखो सिपाही ज्यादा पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, देखो सामने है, चलो चलो जल्दी करो, वो निकलने ना पाए, जल्दी आओ, जल्दी मेरे पीछे, लगता है वो निकल गए, जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे ये सबके सब निकल गए, पीछा करो इनका, रात के अंधेरे में पीछा करना बेकार है, चलो जल्दी करो,
उन्हें तलाश करके लाओ जल्दी से। चलो जल्दी, तुम इधर से जाओ। लो पकड़ो। महाराज जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, जख्म गहरा नहीं है। नहीं गिरिया मत करो, नहीं सब्र करो। लो इसको आग में रखो और ज्यादा गर्म करो। और पिघलने दो। क्या हुआ पितरुस? गैलिस, मुझे अफसोस है, मैं जनाब मैक्सिमिलियन को निजात नहीं दिला सका। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो आजाद ना हो सके। लेकिन उन्होंने मुझे निजात दिलाई थी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा मुकाबला है। मैं आशिक हूँ सुरमाओं की जंग का। अगर ऐसी वर्जिश गाना हो तो मैं किस तरह वर्जिश करूं?
वैसे जिंदा मत छोड़ो, मारना वैसे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो, मार डालो, क्यों नहीं मार डालो, मार डालो, जिंदा मत छोड़ो, बाबा जिंदा मत छोड़ो। तीर अंदाजो नहीं देख रहे हो कि इताअत नहीं कर रहा, सरकशी कर रहा है। मैंने अब तक ऐसा सूरमा नहीं देखा। अली जनाब, ये बहादुरी है, सरकशी नहीं। मैं उसे आराम कर लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दें। ये जसारत दूसरों को भी जरी बना देगी जनाबी मशीर। आप फिक्र ना करें अली जनाब, मैं इस सरकश घोड़े को इताअत गुजार बना दूंगा। क्या मतलब? से बहरहाल इसी मैदान में मरना है। नहीं आली जनाब, तकियानस उसे सैकड़ों ताकतवर जंगजू बहादुरों की तरबियत करनी है। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए ताकि मैं बीसियों बहादुर आपके हवाले करूं। ठीक। आली जनाब, दकियानूस ने तुम्हें माफ कर दिया है। दुरूद हो आली जनाब दकियानूस पर। दुरूद। खोलो इसे। बाहर आ जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दकियानूस की नाफरमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बात वाज़े है ना? बांधो इसे। हाँ चलो। पिटाई करो उसकी। उसको सबक मिलना चाहिए कि दकियानूस के अवामिर की नाफरमानी जुर्म है। काफी है, उसे जिंदान में ले जाओ। चलो अंदर। खुला रहने दो। तुम जाओ।
तुम्हारा नाम क्या है? पितरुस आली जनाब। अपने हरीफ को तुमने क्यों नहीं मारा? आली जनाब वो मेरा दोस्त है। तो तुम दोस्ती का मतलब समझते हो? जी, मैंने इस बात को मुकाबले में साबित कर दिया है। तो तुम्हें एक और दोस्त नहीं चाहिए? हकीर आपकी दोस्ती के लायक कहां है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें इंसान के बेहतरीन और हमदर्द तरीन दोस्त से मिलाना चाहता हूं। उससे मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने मुझे खुदावंद से आशना कराया और उसी दिन से दुनिया को मैं दूसरी शक्ल में देखता हूं। मैंने कई बार चाहा कि यहां से चला जाऊं, मगर जनाब मैक्सिमिलियन ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमें और तुम्हारे दूसरे हम मजहबों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उनके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए तंगो तारीख हो गई और अब मेरे लिए यहां रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा गवाह है, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। मैं जानती थी कि तुम भी दूसरों की तरह उस घर में नहीं पहुंच सकोगे। अगर उस घर में जाना मुमकिन होता तो दकियानूस और उसके सिपाही जा चुके होते। تحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تمنے ان کو بیدار سمجھا جبکہ وہ سو رہے تھے اور ہم کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں मैं इर्कमीत को प्यार करता हूं, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? तुम्हारी और इर्कमीत की जगह महल में है, यहां तुम्हारे बाप के पास, न उस मनहूस घर में, और वो भी तन्हा। इर्कमीत को अपना घर ज्यादा पसंद है। इर्कमीत मेरा नवासा है, अब जबकि उसका गद्दार बाप मौजूद नहीं उसे मेरे पास आना चाहिए। अब मैं इर्कमीत को बुजुर्गी के आदाब और फुनून जंग सिखाऊंगा। इर्कमीत के बाप ने उसे बेहतर चीजें सिखाई हैं जिनको वो कभी फरामोश नहीं करेगा। तुम अब भी उसी गद्दार की बातें करती हो, कहीं तुम भी उसी की तरह न हो। बेहतर है कि इन बेफायदा बातों को खत्म कीजिए बाबा। हेलन, मेरी ये नरमी हमेशा नहीं रहेगी।
अगर मेरे लिए साबित हो जाए कि तुम भी उनके मजहब में शामिल हो गई हो तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बड़ा शानदार तख्त है, एक दिन जरूर इस पर बैठूंगा। बानो हिलन, देखता हूं कि जनाबे दकियानूस की बातों ने बानो हिलन को परेशान कर दिया। अगर जरूरत हो तो दकियानूस की मौजूदगी में इस तख्त पर बैठ के देख लेना। जनाब दकियानूस एक बाप हैं, वो नहीं जानते कि खूबसूरत खातून को इस महल से भी ज्यादा जरूरी एक हमरुतबा शहर की जरूरत होती है। मैं शुरू ही से जानता था कि मैक्सिमिलियन आपका शौहर होने के लायक नहीं। अब अपना ख्याल करो हेलेन, अब मैं जरूर साबित करूंगा कि तुम भी अपने शौहर की तरह खुदा परस्त हो और तुम्हारे सर को तन से जुदा होना चाहिए। अजीब हिम्मत की, करीब था कि इतने सारे अफसरों और सिपाहियों के दरमियान शहंशाह पे हमला कर दे। सुनो, देखा शहंशाह कितने गुस्से में था अभी तक शहंशाह को इतने गुस्से किसी ने भी नहीं देखा था। लगता है तुम बहुत खुश हो। क्यों ना हो, वो रात तो हमारे दुश्मनों के शिकस्त की रात थी। बुत परस्तों का मजाक उड़ाया और मसीही औरतें दर बदर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जितना चाहे एक दूसरे को कत्ल कर दे, बहरहाल हमारे फायदे में। लेकिन हमें रोमियो की मदद करनी चाहिए। हम उनसे तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुआहिदीन से मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। ग्यालिस, कहाँ जा रहे हो? बानो हिलन, सिपाहियों ने पहाड़ को छोड़ दिया है, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको दफन करना चाहता हूँ। ठहरो, मैं भी आऊंगी। लेकिन आपके लिए मुश्किल है, आप पहाड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रखती हैं। मैं पहाड़ के नीचे रहूंगी, रुक जाओ। वहां ऊपर क्या हो रहा है, कोई आता क्यों नहीं? आ जाएंगे बानो हिलन। नहीं मालूम उनकी लाशें किस हालत में है। Thank you.
मैं खुद गार में जाकर देखता हूं। काम लो, बताओ क्या देखा, सब्र करो, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या देखा तुमने, क्या हुआ, बताते क्यों नहीं, कैसी आवाज आई, क्या हुआ? बताते क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ, खुदा से उम्मीद रखो, क्या हुआ आखिर? सब्र करो, जब हम उनको नहीं बचा सके तो क्या आप दफन भी ना करें? क्या वो मर गए थे जो उनको दफन करें? ये क्या कह रहे हैं? जरा हिम्मत से काम लो भाइयों, जरा हिम्मत से, आराम से, अब आप उन्हें किस तरह दफन करना चाहते हैं? अब हमारी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस गार में कदम रखें। अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूं? नहीं मालूम, इस बारे में किसी से कुछ ना कहो, सिर्फ ये कहो कि उनको दफन करना मुमकिन नहीं है। चलो बेहतर यहां से चले। नहीं कर सकता। क्या मतलब, ऐसा क्यों? बस इतना ही जानता हूं, मशीयत खुदावंदी यही है कि उनको दफन ना किया जाए। आप उन्हें दफन नहीं करना चाहते? क्यों नहीं, चाहते तो हैं मगर नहीं कर सकते। मुझे देखना है कि वहां क्या खबर है। अच्छा ये बानो, रुकिए, रुक जाइए बानो। मुमकिन नहीं है बानो हिलन, अगर उनको दफन किया जा सकता तो यकीन रखिए ये काम हम कर चुके होते। बताते क्यों नहीं, वहां क्या खबर है? आप क्या जानती हो जो हमसे छुपा रही हो?
हम भी नहीं जानते, यानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जानते हैं कि वो गार उनका बेहतरीन मकबरा है और कोई वहां दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। बानो हिलन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लौट जाइए। मैं घर जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या देखा है।